पिछले दिनों पूरे प्रदेश सहित अंबाला जिला में आई जल प्रलय ने यहां आने वाले शिव भक्तों का जीना दूभर कर दिया। वहीं अंबाला का ये 1800 ईस्वी का प्राचीन हाथीखाना शिव मंदिर यहां फैली गंदगी से उठ रही बदबू से यहां आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। मंदिर के महंत बाबा मोहनदास ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि मंदिर के साथ लगता गंदे पानी की निकासी का नाला, यहां पड़े कूड़े से निकल रही बदबू मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत इस नाले की ब्लॉकेज को खुलवाकर और यहां फैली गंदगी को उठवाकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का उद्धार करने की जोरदार मांग की है। हाँ जी बाबा जी, क्या ये आलम है यहां गंदगी का? जय श्री राम। यहाँ पे जो है गंदगी, जब बाढ़ आई है इसके से गंदगी का प्रभाव पड़ रहा है। हजारों श्रद्धालु आते हैं और यह पानी भी भरा पड़ा है, नाला जो है फुल चल रहा है। आप जो है सब प्रशासन इसका ध्यान दें। जय हाँ जी, इस नाले को प्रशासन द्वारा सफाई कराए और सफाई करा के सब भक्तों को जो है दुर्गंधी से प्रभावित नहीं होने की शंका दे। जय श्री राम। 1800 ईस्वी में बना यह प्राचीन मंदिर हाथीखाना लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन के महीने में इस मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों और कांवड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन मंदिर के साथ बना नाला यहां आने वाले भक्तों के लिए मुसीबत बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह नाला लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस नाले में भरे गंदे पानी और मंदिर के साथ फैली गंदगी से उठ रही बदबू के कारण श्रद्धालुओं की नाक में दम हो जाता है। कई बार नगर परिषद से गुहार लगाने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यह नाला यहां आने वाले बाढ़ का पानी निकासी के लिए बनाया गया था, जो अब मंदिर प्रबंधन के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है। श्रद्धालुओं की मांग है कि तुरंत इस नाले की सफाई करवाकर यहां फैली गंदगी को उठवाकर श्रद्धालुओं को भी निजात दिलाई जाए। हम कैलाश मंदिर हाथीखाना अंबाला छावनी में दर्शन हेतु सावन के महीने में आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत भगत जन अंबाला के बाहर के विदेश के भी यहाँ पर शंकर जी के दर्शन हेतु आते रहते हैं। सावन के महीने में गंदगी का इतना आलम है कि यहाँ भगत जनों को मुंह के ऊपर हाथ ढककर मंदिर में दर्शन हेतु आना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मंदिर के बिल्कुल गेट के ठीक सामने इतना बड़ा गंद का ढेर हो और प्रशासन जो है कृपा करके इस गंद को साफ कराए, व्यवस्था बनाए। यही हम आस्था रखते हैं और यही कामना करते हैं प्रभु जो है ये जल्दी से जल्दी हमारे प्रशासन से इस जगह को साफ सफाई कराकर और दर्शन हेतु लोगों को सुविधा प्रदान कराए। जय श्री राम जी, मैं गगन बोल रहा हूँ, सेवादार हूँ जी। यहाँ पर लोग जो आते हैं, सावन की आस्था है यहाँ पर बहुत पब्लिक की, जो पब्लिक जन सेवादार आते हैं यहाँ पर। ये नाले के ऊपर से समैले बहुत आ रही, प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन सफाई नहीं कर रहे हैं। और कई बार कह देते हैं जी पानी की ब्लॉकेज है या कुछ है, नाले से समैले बहुत आ रही, बीमारी फैलने का खतरा है, यहाँ से खड़ा नहीं हो जा रही, बिल्कुल पब्लिक दूर दूर से आती है यहाँ पर। हम प्राचीन हाथीखाना कैलाश मंदिर से बोल रहे हैं, हम हाथीखाना कैलाश मंदिर प्राचीन मंदिर से बोल रहे हैं जी। इसके बगल में नाला बह रहा है, उसमें गंदगी बहुत सी बहुत है, जिससे ये स्मेल फैल रही है, बीमारी फैलने का खतरा है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।